वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। फाइनल में उसे इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इस टूर्नामेंट में एक समय पाकिस्तान की टीम बाहर होने के कगार पर थी, लेकिन नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को 13 रनों से हरा दिया, जिसके बाद सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए। अपने पहले मैच में इंडिया के खिलाफ हार झेलने वाली बाबर आजम की टीम को उसके बाद जिम्बाब्वे के हाथों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पूर्व पाकिस्तानी दिग्गजों ने बाबर और उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बाबर को पाकिस्तानी टीम की कप्तानी छोड़ने की सलाह दे डाली। शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को सलाह दी है कि उन्हें T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने बाबर आजम के विकल्प भी बताए। उन्होंने कहा, बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। उन्हें अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। वो चाहे तो वनडे और टेस्ट की कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन T20 टीम की कप्तानी करने के लिए हमारे पास शादाब, रिजवान और यहां तक कि शान जैसे प्लेयर हैं। मैं उनका दिल से बहुत सम्मान करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो कप्तानी का दबाव लें। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में बाबर ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को निराश किया। उन्होंने अपनी 7 पारियों में 17.71 की औसत से 124 रन बनाए, जिसमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया अर्धशतक शामिल है। बाबर आजम मौजूदा समय में पाकिस्तान के तीनों ही फॉर्मेट्स में कप्तान है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शुरुआत में भारत से 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद जिम्बाब्वे टीम ने उन्हें 1 रन से हरा दिया, जिसके बाद उन्हें PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी कराची किंग्स ने पेशावर जालमी के साथ ट्रेड किया। उनकी जगह कराची किंग्स ने अपनी टीम में शोएब मलिक और हैदर को शामिल किया है। बाबर की कप्तानी में कराची किंग्स बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और उन्हें 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।